इसके लिए 4 मीडियम साइज के उबले आलूओं को छीलकर कद्दूकस कर लें। अब इसमें एक बड़ा प्याज बारीक काटकर मिलाएं, फिर 2 हरी मिर्चें बारीक कटी डालें, 1 टीस्पून आपने अजवाइन को हथेली में क्रश करके इसमें डालना है, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया दाना दरदरा कुटा हुआ, 1 टीस्पून लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अदरक घिसा हुआ, 1 टीस्पून लहसुन घिसा हुआ डालकर अच्छे से अब इसे मिक्स करके आप साइड में रख दें। अब परात में 2 कटोरी आटा नाप कर डाल लें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून देसी घी मेल्ट करके डाल के अच्छे से पहले सारी सामग्री को मिलाएं, फिर पानी डालकर सेमी टाइट आटा गूंदना, मतलब ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा लूज, जैसे हम पूड़ियों के लिए मठरी के लिए बनाते हैं वैसा। 15 मिनट के लिए इसे अब ढककर अब साइड में रख दें। और आपने ध्यान देना है कि इसमें ऊपर तेल ज़रूर लगा के रखना है। अब जो हमारा आलू का मिक्सचर था उसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा धनिया मिलाकर अच्छे से एक साथ कर लें। एक छोटी कटोरी में 4 टेबलस्पून मैदा लें, उसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा भर के हरा धनिया डाल दें, और 2 पाउच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं, अगर चिली फ्लेक्स खुले हैं तो 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून नमक डालें और पानी ऐड करके धीरे धीरे एक अच्छा गाढ़ा घोल लगा लें। गूंधे आटे की एक बड़ी सी रोटी तैयार करें, फिर कटोरी से उसे गोल गोल जितनी आप पूरी स्टाइल की काट सकते हैं काट लीजिए, एक्स्ट्रा आटा हटा लीजिए। जो आलू का मिक्सचर है वो तीनों उस पर आप इक्वली स्प्रेड करें। अब मैं इस पर पुदीने की चटपटी चटनी लगा दी है मैंने तीनों पे। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसमें चीज़ जो स्लाइस आती है ना उसके मैंने 4 हिस्से कर लिए थे, इसमें से जो 3 हिस्से थे वो इन तीनों पे एक एक लगा दिया है, और मैं अब हर एक पोर्शन को ऐसे गुजिया स्टाइल में फोल्ड करूँगी। और ये देखिए ईजीली चिपक जाते हैं, फिर खुलते भी नहीं हैं। ऐसे करके आप सारे उसको रेडी कर लीजिए पहले, और फिर अब आपने एक एक पीस ये उठाना है और मैदे के गाढ़े घोल में लपेट कर इसे डीप फ्राई कर लेना है। आपकी फ्लेम लो टू मीडियम ही रहनी चाहिए, तभी ये क्रिस्पी क्रंची मस्त बनेंगे, समोसे से ज़्यादा क्रंची और स्वाद में समोसे फीके लगेंगे इसके आगे। बस अब आप सर्व कीजिए इसे सॉस के साथ या टोमेटो चटनी के साथ जो होममेड होती है। ये देखिए इसकी आवाज़ कितनी कुरकुरी है ये देखिए, और अंदर से देखने में और स्वाद में उतने ही स्वादिष्ट।